أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء تیرے ظہور سے
कि आप कहाँ हैं? आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर मिस कर दिया असरारे खुदी पर। मुझे खबर थी कि जनाब डॉक्टर महेंद्र कुमार साहब कल लाहौर में है और वहां से भी मुझे इन्विटेशन थी कि लेक्चर हो रहा है, तो मैंने कहा कि मैं तो सियालकोट पहुंचा हुआ हूँ जनाब डॉक्टर महेंद्र कुमार साहब के इस्तकबाल के लिए, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि लेक्चर मिस हो गया। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ भी एक लेक्चर है, तो आई अप्रिशिएट हैदर जैदी साहब, उन्होंने क्या बड़ी साहब मैं वो भी सुनना चाहता हूँ, तो मैंने इधर तशरीफ ले आए, तो जैदी साहब सुबह लाहौर से तशरीफ ले आए, उन्हें हम वेलकम कहते हैं। और मैंने देखा नहीं कि सारे साहब तशरीफ रखा है डॉक्टर मुफ्त से राजा मसूद साहब, मैं किस किस के नाम हूँ, जैसे ऐसे साहब ने कहा कि मैं सियालकोट का हूँ, अगर जब मैं रहता लाहौर हूँ, अभी जो ये नात पड़ी थी कि आदमी हाजिर कहीं होता है मौजूद कहीं होता है, मैं जब अपने दोस्तों से लाहौर में बात करता हूँ तो अक्सर सियालकोट का जिक्र करता हूँ, तो कहते हैं मुझे साहब आप मौजूद लाहौर में हैं हाजिर सियालकोट में हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है, खास मेहरबानी है। ये जो थिंकर फोरम्स आज मैं देख रहा हूँ, एक मेरी जब 11 बजे तो मैंने देखा कि शुरू हो गया प्रोग्राम, माशाल्लाह ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ असद एजाज को और अपने साथियों को, 11 बजे ये फंक्शन शुरू हो जाना होता है, हो जाता है। और मैंने देखा है कि सारे दिन, आज इतवार है, छुट्टी है, आराम का दिन है, शाम को के लोग मेहनती लोग हैं, 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन छुट्टी का होता है, तो असद एजाज अपना फंक्शन रख लेते हैं, तो भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भी रामा इकबाल पर। लेकिन खुशी है कि लोग खुशी से आते हैं, जज्बात से आते हैं। ये ख्वाब देखा था आज से 7-8 साल पहले कि एक ऐसा फोरम जिसमें इकबाल की बात की जाए, इकबाल के शहर में इकबाल की बात की जाए, तो ये एक बड़ा वास इत्मीनान है कि ये जो सफर चला है अब इसमें लोग शौक और शौक से आ रहे हैं। दूसरी बात इलामा इकबाल के बारे में, क्योंकि ये महीना भी इलामा इकबाल का है, ये हफ्ता भी इलामा इकबाल का है, और ये जो ये 10 दिन है अशरा भी इलामा इकबाल का है, 21 अप्रैल को लाहौर में बन सकते, अब 24 को यहाँ है उसी सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें क्या सीखना चाहिए इलामा साहब से, थोड़ी सी बात करूँगा मैं, मैंने तो आपको वेलकम करना है, थोड़ी सी बात ये करूँगा, जिस तरह हसूल आज़ादी के लिए 1940s के डेकेड में जो एक आज़ादी की तहरीक थी, उसमें रूहे रवा क्या फोर्स थी इलामा इकबाल, आज़ादी मिल गई, आज़ादी को हमें तकरीबन 70 साल हो गए, अब मसला क्या पड़ा हुआ आजकल तो जो हमारे हालात हैं आप देखते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का और तारीख का और इलामा इकबाल का, जो हालात है कभी तो मायूसी होती है फिर एक उम्मीद की किरण जाती है। द एनालिसिस आई डिराइव, जिस तरह आज़ादी के हसूल के लिए इलामा साहब की जरूरत थी और इलामा साहब ने जो रोल प्ले किया, आज फिर 2016 में उस आज़ादी को उसका आज़ादी को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें फिर इलामा इकबाल की जरूरत है आज फिर से। और बार बार इलामा साहब कह रहे हैं कि जो मैंने पैगाम दिया है ला फिर इकबाल को ही वही बाधा जाओ मैं साथी हाथ आ जाए मुझे मेरा मुकाम है साथी, और फिर कहते हैं कि भटके हुए आबू को फिर सूरे धर्म ले चल, इस शहर के हुकूमत को फिर वसत सहरा दे। आज हमें वसत सहरा नहीं चाहिए, वसत जहर चाहिए। तो मुझे ये बड़ी खुशी है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स मौजूद हैं, और यही बात करके कि आज के दौर में 2016 में इलामा साहब का जो पैगाम है वो ही हमारा मंजिल-ए-राह है, और इस पैगाम को किन तक पहुँचाना है। अगर आप स्टडी करें तो इलामा साहब के मुखातिब कौन थे, इलामा साहब के शाहीन कौन थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स, यूथ। अगर हम यूथ तक अपना पैगाम पहुंचा दें
तो मैं समझता हूँ कि सियालकोट के लोगों के लिए और इकदामा इकबाल के मानने वालों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुझे बताया था असद एजाज साहब ने कि आप यूनिवर्सिटी वाले रब्ता कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चों को बताया जाए कि पैगाम इकबाल क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है सियालकोट हिंदू फोरम की। और अब असल सफर का आगाज हुआ है कि वो जो शाहीन बच्चे हैं उन तक अगर हम ये पैगाम पहुँचा दें तो हम ये समझेंगे हमारी आज़ादी वो हम सस्ते में बन कर सकते हैं। अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका, आपको सलाम पेश करता हूँ और ख़ासतौर पर हमारे वो मेहमान के बाद से हैं जो आज के मंत्री स्पीकर हैं उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ।
जो रसूल को देखता है देख तो रसूल को रहा है लेकिन वो हदफ नहीं है सिर्फ रसूल को पहचानना, वो एक जरिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानना। इस नुक्ते को जहन में रखते हुए अब रिसालत और अलामा इकबाल में क्या कहा गया, रिसालत और अलामा इकबाल में क्या कहा गया, इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि पहले रिसालत की कोई बुनियादी जो सिफात है या रसूल की जो बुनियादी सिफात है, जो बिल्कुल अहम तरीन सिफात है, वो रसूल की क्या है, पहले उनको जहन में लाया जाए। रसूल का क्या काम होता है, रसूल इस दुनिया में आता है तो उसका काम क्या होता है, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, रसूल को इस दुनिया में आने की जरूरत क्या पड़ती है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। इस मुद्दे को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जा सकता है लेकिन अगर हम आम फहम जुबान में पेश करेंगे, रसूल की रसूल को इस दुनिया में आने की जरूरत क्यों पड़ती है या अल्लाह को क्यों जरूरत, अल्लाह को अल्लाह एक रसूल को या नबी को इस दुनिया में क्यों भेजते हैं, तो बुनियादी कुछ वजह तो यही होती है कि इंसान जो इस दुनिया में रह रहा है या बस रहा है वो गफलत, निसियान, बदसली और मायूसी का शिकार हो चुका होता है। गफलत और निस्यान में वो इतना खो गया होता है, अपने हालात के इर्द गिर्द उस वक्त मौजूदा हालात को देख के वो इतना बदसन हो चुका होता है, वो इतना मायूस हो चुका होता है कि बस अब उसकी कोई इस्लाह की गुंजाइश ही नहीं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि नजर ही नहीं आता कि इन हालात की कोई इस्लाह मुमकिन है। इंसान ने अपना पूरे हथियार डाल दिए हो, मायूस हो गए, और अगर इस मायूसी को देखें कि इस मायूस वो क्यों ये मायूस क्यों मायूस हो जाता है, क्यों बदसन हो जाता है, उसकी बुनियादी वजह होती है गफलत और निसियान। वो अपने माजी को भूल चुका होता है, माजी में क्या हुआ, माजी में भी इसी तरह के मुश्किल मराहिल सामने आए थे और शायद माजी में भी इस तरह से ज्यादा मुश्किल मराहिल सामने आए हो, जो उस वक्त के हालात थे शायद वो इन हालात से भी ज्यादा बदतर हुए हों, लेकिन उस वक्त कुछ हुआ था कि उन हालात की इस्लाह हो चुकी हुई थी, लेकिन इंसान वो चूं उस चीज से वो भूल चुका होता। जो रसूल है, जो नबी है, उसका काम, बुनियादी काम तो यही है कि इस इन जो मायूसी के जो अंधेरे छाए हुए हैं इसमें कोई चिराग लगाना, ये जो बदसनी और बदगुमानी बिल्कुल छाई हुई है, इस बदसनी और बदगुमानी में उम्मीद की किरण के तौर पे सामने आ, और उसका जरिया क्या है रसूल का, कि उस माजी के बारे में जिसके बारे में जो माजी हम भूल चुके हैं, उस हाजिर के बारे में जिस हाजिर के हमें सही तरह नजर नहीं आ रहा, इस हाजिर का हमें सिर्फ एक रुख नजर आ रहा, और उस मुस्तकबिल का जहां पे हमें कोई चीज
वो सिर्फ शर ही शर नजर आ रहा है, उसका भी एक और रूप हमारे सामने लाना, ये है नबी या रसूल का बुनियादी किरदार। इसको सहन में रखिए। तो सवाल दोबारा उठाते हैं या जो मौजू है, रिसालत और अलामा इकबाल। अलामा इकबाल और रिसालत में आपका आपस में क्या ताल्लुक है? हम ये सब जानते हैं कि अलामा इकबाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार था, कितने बड़े आशिके रसूल थे, जितनी भी इस वक्त जितने भी आशिके रसूल के दायान हैं उनमें कोई कमी नहीं है। उनका इश्क एक तरफ और अलामा इकबाल का इश्क एक तरफ, अलामा इकबाल का इश्क फिर भी इन सब पे भारी है। अब जो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अलामा इकबाल का और रिसालत के माबैन जो ताल्लुक है वो वही है जो रसूल और अल्लाह के माबैन ताल्लुक है। नजर आ रहा है हमें इकबाल, लेकिन इकबाल खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज ना करो, मैं किसी और काम के लिए आया हूं, ये मैं नहीं हूं। कलाम तो मेरा है लेकिन याद क्या आनी चाहिए तुम्हें, याद किस चीज की आनी चाहिए? वही जो इस रिसालत के जो बुनियादी मकासिद हैं वो चीज आपको अल्लामा के कलाम में मिल गई। सिफात जो वहां पे नजर आ रही हैं वो तो सिफात तो वही हैं जो रिसालत के काम की बुनियादी सिफातें हैं। मायूसी के अंधेरों में, बदजनी के अंधेरों में उम्मीद की किरण, जब ये नजर आ ही नहीं रहा कि हालात में कोई बेहतरी आ सकती है, तो बंदा खड़ा होता है वो कहता है सिर्फ नहीं कि आ सकती है, बंदा क्या कहता है, अलामा क्या कहते हैं, आएगी। वो ये नहीं कहते कि आ सकती है। 1930 में अपने खुतबा इलाहाबाद में वो ये नहीं कहते कि शायद हो सकेगा, इट इज द डेस्टिनी। वो ये कह रहे हैं जो मुमकिन आज में बात नहीं कर रहे। और जब ये कह रहे हैं कि आएगी, वो महज एक शायराना अंदाज में, हमें पता है कि जो शायर लोग हैं वो बहुत क्या कहेंगे, मुबालगा आराई से काम लेते हैं अपनी शायरी में। मुबालगा करना, मेटाफोर इस्तेमाल करना, किस तरह की चीजों से वो काम ले रहे हैं। जब अलामा ये कह रहे हैं कि आएगी, अब वो ना मुबालगे से काम ले रहे हैं या ना वो मेटाफोर से काम ले रहे हैं, ना वो एनालॉजी से काम ले रहे हैं, किस बिना पे वो कह रहे हैं कि ये होगा, क्योंकि वो तारीख से वाकिफ हैं, दौरे हाजिर से वो वाकिफ हैं, इसलिए उनको मुस्तकबिल एक खास नजर आ रहा है जो दूसरों को नहीं नजर आ रहा। वो दूसरों को वो मुस्तकबिल क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ना वो उस माजी से वाकिफ हैं, ना वो इस तारीख से सही तरह वाकिफ हैं, ना वो जो कुछ हाजिर में है ना वो उनको सही तरह नजर आ रहा है, इसलिए वो एक मुस्तकबिल है जो अलामा को नजर आ रहा है उनको नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपकी खिदमत में, अब जाहिर है कि मैं
मैं अदीब नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, मेरी कोई इतनी क्वालिफिकेशन, मेरी सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है कि मैंने बहुत चंगी अंग्रेजी आती है, बगैर तो मैं दो तीन डिग्रियां नहीं हुई हैं, ऐसे ही मेरी कोई लम्स वाली कदर कर लेंगे नहीं, इजाजत देंगे सामू लम्स पर आदमी। मैंने अपनी तरफ से तो अपनी क्वालिफिकेशन आपके सामने रख दी हैं, मैं अदीब नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, तो मैं थोड़ी सी जुर्रत करूँगा कि अलामा की एक नज़म वो आपकी खिदमत में पेश करूँ, और जो चीज़ हमें इस नज़म को पढ़ते हुए या सुनते हुए ज़हन में रखनी चाहिए कि इसमें अलामा के वो जो रिसालत के जो बुनियादी मकासद हैं, मायूसी, बदज़नी, निस्यान और गफलत से निजात, वो इस नज़म में किस तरह हमारे सामने, या ये नज़म, ये किरदार, ये नज़म वो किरदार कैसे अदा कर रही है, ये मेरी फारसी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इतना अलामा को पढ़ा हुआ है, उर्दू में भी टूटी फूटी है, लेकिन जितनी भी मैंने उनकी उर्दू शायरी पढ़ी है उसमें उस उर्दू शायरी में से ये ज़ाती तौर पे मेरी पसंदीदा तरीन नज़मों में से है, और ये है लेनिन खुदा के हुज़ूर में। ये अलामा इकबाल एक खींच रहे हैं, एक तस्वीर हमारे साथ